वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं पूजा और आज आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 14 ट्रांजैक्शंस जिन पे रहती है आयकर विभाग की नजर। जी हां, ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है, ये लिस्ट है अपडेटेड। और इन ट्रांजैक्शंस में से अगर मैं 14th नंबर ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो उसके लिए जल्दी ही नोटिसेस इश्यू हो जाएंगे, तो आप लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है। सभी लोग अपनी लाइफ में ऐसी ट्रांजैक्शंस करते ही हैं, जैसे प्रॉपर्टी की सेल परचेज की बात करो, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की बात करो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की अगर मैं बात करूं, शेयर्स की मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं जो होती हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस जिन पे रहती है आयकर विभाग की नजर। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो लोगों को ये लगता है कि अब तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। जी नहीं, गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाता है इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में, जानने के लिए जुड़ रहे इस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को भी जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में जिन ट्रांजैक्शंस को हम शेयर कर रहे हैं वो है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता है एसएफटी, और ये होती है अंडर सेक्शन 285BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इन्हें रिपोर्ट किया जाता है कुछ स्पेसिफाइड पर्संस के थ्रू टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भरते हैं एवरी ईयर फॉर्म 61A और उसमें रिपोर्ट करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को। ये ट्रांजैक्शन कैसे किसी पर्सन से लिंक हो जाती है, उसके लिए बेस होता है पैन नंबर। आप सभी को पता है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आजकल आपका पैन नंबर मैंडेटरी है, तो पैन से लिंक करते हुए ही इन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ वन बाय वन हम ट्रांजैक्शंस तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि उनकी लिमिट क्या है और कौन पर्सन रिपोर्ट करता है किस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस वीडियो के एंड में आपको दूंगी कुछ बोनस टिप्स, तो चलिए जानते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन है अगर आप कैश पेमेंट करते हैं किस चीज के लिए, परचेज करने के लिए बैंक ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक। की लिमिट क्या है, वो है एग्रीगेट ₹2-10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा की कैश पेमेंट करते हैं किसके लिए, खरीदने के लिए डीडी, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप सभी को पता है अगर आप डीडी बनवाने चाहते हैं तो आपसे आपका पैन नंबर डिमांड किया जाता है और उसी से लिंक करके ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दी जाती है अगर ये होती है पूरे साल 10 लाख या उससे ज्यादा। आप जानते हैं कौन इसे रिपोर्ट करता है, इसे रिपोर्ट किया जाता है बाय अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाइज। तो एक बैंकिंग कंपनी इसे रिपोर्ट कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पहली 6 ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग एंटिटी रहेगी अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड नंबर है अगर आप कैश पेमेंट करते हैं परचेज करने के लिए क्या, प्रीपेड आरबीआई इंस्ट्रूमेंट, जैसे आरबीआई बॉन्ड्स, और अगर उसकी वैल्यू पूरे साल में 10 लाख या उससे ज्यादा है तो ये रिपोर्ट कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इन्हें रिपोर्ट करता है सेम अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। नंबर 3 पे है अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करता है, कितनी लिमिट है उसकी, एग्रीगेट ₹2-50 लाख और अ मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसे रिपोर्ट कर दिया जाता है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पूरे साल में अगर कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करता है जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख है उससे ज्यादा हो जाती है, तो वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दी जाती है। अगर कैश डिपॉजिट किया जाता है किसी अकाउंट होल्डर के 1 और मोर अकाउंट, एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, कितनी वैल्यू का, एग्रीगेट ₹2-10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसे भी रिपोर्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और यहाँ पे आपको एक डेट याद दिलाना चाहूंगी, 8 नवंबर 2016। हिंट आपको मिल गई होगी और इसके बारे में आपको बताऊंगी जल्दी ही। तो अगर किसी पर्सन के अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया जाता है एग्रीगेट ₹10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी रिपोर्ट किया जाता है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है नंबर 5, यहाँ बात करेंगे हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट की। तो अगर कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करता है
कौन से मोड में? कैश। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर कैश मोड में की जा रही है और उसकी वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू 1 लाख और मोर है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे भी रिपोर्ट किया जाता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड के नंबर 6 में अगर हम बात करें, अदर देन कैश पेमेंट की जाती है और उसकी वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा हो जाती है, तो वो भी रिपोर्ट कर दिया जाता है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के टाइम पे भी ये चीजें देखी जाती हैं, आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है नंबर 7, अब जो हम 6 ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की उन्हें रिपोर्ट कर रहा था बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक। अब आगे की ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग एंटिटी अलग है, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो नेक्स्ट नंबर 7 पे है, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड और डिपेंचर इशूड बाय द कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई पर्सन पे करता है एक्वायर करने के लिए क्या बॉन्ड और डिपेंचर जो एक कंपनी इशू करती है, वो रिपोर्ट किया जाता है अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख या मोर होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। कौन इसे रिपोर्ट करता है? अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन इशूइंग बॉन्ड और डिपेंचर, जिस कंपनी से आपने वो बॉन्ड या डिपेंचर्स बाय किए हैं वो रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ट्रांजैक्शन नंबर 8 है शेयर्स के लिए। तो अगर रिसिप्ट होती है किसी ऐसे पर्सन से टू एक्वायर शेयर्स इशूड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख और उससे ज्यादा होती है, तो वो इशू करने वाली कंपनी इसे रिपोर्ट कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये थी नंबर 8 ट्रांजेक्शन। बढ़ते हैं नंबर 9 पे, बाय बैक ऑफ शेयर फ्रॉम एनी पर्सन जिसकी वैल्यू है अगर एग्रीगेट 10 लाख या उससे ज्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे भी रिपोर्ट किया जाता है। अब इसे रिपोर्ट कौन करता है? लिस्टेड कंपनी परचेजिंग इट्स ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 10 बात करता है म्यूचुअल फंड्स की। तो ऐसी रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग यूनिट ऑफ वन और मोर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड जिसकी एग्रीगेट वैल्यू वही 10 लाख या उससे ज्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे भी रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होगी? अ ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड और एनी सच अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो अगर आप म्यूचुअल फंड एक्वायर करते हैं पूरे साल में उसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसे रिपोर्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नंबर 11 पे आता है फॉरेन करेंसी के लिए। तो अगर कोई पर्सन फॉरेन करेंसी बाय करता है, उस केस में भी उसे रिपोर्ट किया जाता है अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा होती है। यहाँ पे जो रिसिप्ट है आप सुन लीजिए, कौन सी है? रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंस इन सच करेंसी थ्रू अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और थ्रू इश्यू ऑफ ट्रेवलर चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एग्रीगेट टू ₹10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर टू बी रिपोर्टेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इसे रिपोर्ट कौन करेगा? ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन हो सकता है? फॉरेक्स एजेंट भी हो सकता है, वो उसे रिपोर्ट करेगा अगर उसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हमने 11 ट्रांजैक्शंस की बात कर ली। अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस देख के डर लग रहा है तो इसकी भी टिप्स आपको इस वीडियो के एंड में दूंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 12 पे है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी का सेल या परचेज करते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी रेफर्ड इन सेक्शन 50C फॉर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख और मोर। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस है प्रॉपर्टी के सेल और परचेज की जिसकी वैल्यू 30 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो भी रिपोर्ट की जाती है। उसे रिपोर्ट कौन करता है? इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6, यानी कि जहां से आपने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है। ठीक है, ये है नंबर 12। करते हैं बात नंबर 13 की, कैश रिसिप्ट फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। तो कैश रिसिप्ट किससे हो रहा है? फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर, कितने अमाउंट का? मोर देन 2 लाख रुपीज। उसे कौन रिपोर्ट करेगा? ऐसा पर्सन जो लाइबल है ऑडिट के लिए अंडर सेक्शन 44A(b). तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जो ऑडिट के लिए लाइबल है उससे बाय करते हैं कैश में जिसकी वैल्यू मोर देन 2 लाख है, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है थ्रू फॉर्म 61A। यहां हमने डिस्कस कर ली इंपॉर्टेंट 13
ट्रांजैक्शन आपको इन्हें अपने माइंड में रखना है और केयरफुल रहना है। अब बढ़ेंगे नंबर 14 पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपके साथ एक डेट डिस्कस की थी 8 नवंबर 2016। क्या आंसर है आपका, क्या हुआ था इस दिन? Yes, you are very very right. इस दिन हुआ था demonetization. चले 14 नंबर ट्रांजैक्शन पे जल्दी से आ जाते हैं इसे डिस्कस करने के लिए। तो 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस की थी demonetization. ठीक है, demonetization के दौरान आपको मौका दिया गया था 9th नवंबर 2016. तो 30th दिसंबर 2016 तक आपके पास जितना भी करेंसी था कैश में उसे बैंक में डिपॉजिट कराने का, और उस पीरियड में बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शंस की हैं अपने बैंक्स में। तो यहाँ पे लिखा है कि कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्रीगेट टू रुपीज 12,50,000 और मोर इन वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में इस ड्यूरेशन में 12.5 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। या फिर हम अदर देन करंट अकाउंट की बात करें, यानी सेविंग अकाउंट में, किसी पर्सन के एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स में अगर 2,50,000 या उससे ज्यादा का कैश जमा हुआ होगा इस पीरियड में तो वो भी रिपोर्ट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिमोनिटाइजेशन हुआ था बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शंस की थी, और अब जल्दी ही इसके लिए नोटिसेस इशू होने शुरू हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगी कि एक चेकलिस्ट इशू कर दी गई है जिसमें इन नोटिसेस के अगेंस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपसे मांगी जाएगी, यानी कि जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसका सोर्स क्या है, क्या उस पर्सन की इतनी इनकम है जितना कैश डिपॉजिट हुआ है, इस तरह की चीजों को देखते हुए नोटिसेस इशू होंगे। आप जानते हैं इन्हें रिपोर्ट कौन करेगा? ऑफ कोर्स अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाइज, या फिर पोस्ट मास्टर जर्नल ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट तो हो चुकी हैं और अब नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, तो अपना हिसाब किताब बना लीजिए अगर आपने अपने अकाउंट में इतने सारे पैसे ड्यूरिंग डिमोनिटाइजेशन डिपॉजिट किए थे। चलिए अब आपको देना चाहूंगी कुछ बोनस टिप्स। पहली बोनस टिप्स या इंफॉर्मेशन में आपके सामने आपको बताना चाहूंगी कि बजट 2019 में प्रपोज किया गया है टीडीएस ऑफ 2% किस पे, ऑन कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इन 1 फाइनेंशियल ईयर टू डिस्करेज बिजनेस पेमेंट्स इन कैश। तो अगर कोई पर्सन पूरे साल में अपने अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करेगा तो बैंक, यानी जिस बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है, बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 2%, एंड दिस इज प्रपोज्ड इन बजट 2019। चलिए अब आप जो थोड़ा सा घबरा गए हैं इन ट्रांजैक्शंस को देख के, आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास आपके इनकम सोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन है, कहां से पैसा आया, कहां आपने यूज किया, और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को बिल्कुल टाइम पे भरते हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वेदर वो पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे या ना करे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। इसके लिए बोनस टिप आपके लिए यही है कि अपनी ITRs को केयरफुली और हमेशा टाइम पे फाइल करें, जो इनकम सोर्स है उन्हें डिस्क्लोज करें, ऐसी ट्रांजैक्शंस को करते टाइम उसका सोर्स ध्यान में रखें, ताकि कभी भी कोई ऐसा नोटिस भी आ जाता है आपको तो आप उसे इजीली जस्टिफाई कर सके। तो आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड रिलेवेंट है। साथ ही मैं अपने उन व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी दिल से थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियोस को सबसे पहले। तो अगर आप भी हमारे उन्हीं व्यूअर्स की लिस्ट में हैं तो दिल से आपको थैंक यू, और अगर आप भी हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।